guys, welcome to my channel. My name is Ramashree. Namaste to everyone. So guys, today's video is really, really, very interesting because I have two topics to discuss with you. The first is review and second is DIY. So guys, many charcoal peel-off mask used kiya tha aur usse mujhe kya effect pada aur mujhe usne kya acha laga, kya bura laga. Uske baare mein bataungi. Aur aap ghar pe kaise charcoal mask bana sakte ho effective jisse aapko blackheads to nikle saath ke saath aapko glowing effect milne. Hamara koi bhi skin tone ho, usse koi fark nahi padta. Par hamare chehre pe glow rahe usse fark padta hai. To glow lane ke liye bas blackheads hatane ke liye jo bahut important hai hamare face ke liye, wo kaise kaam kiya hai. To I hope aapko ye video pasand aayega. Guys, start karne se pehle main ek small choti sa request hai guys, if you haven't subscribed my channel, please subscribe. Please like karo aur is video ko please end tak dekho because bahut interesting topic hai aur aapko definitely pasand aayega. So guys, let's get started. Guys, so maine do topics ko ek video mein kyun rakha hai, kyunki ye dono se same relate karte hain. Ek to pehla mera review hai, dusra usse hi related DIY hai. So guys, please dekho aur enjoy karo. So गाइस, मैंने जो पील ऑफ मास्क खरीदा उसके बारे में आपको बता दूं. इसमें लिखा है ड्राई दी क्लीन एरिया एंड अप्लाई दी मास्क ऑन डिजायर एरिया, अवॉइड आईब्रो आईज एंड लिप्स, पील इट ऑफ आफ्टर 20 to 30 मिनट्स. मीन्स इसे 20 से 30 मिनट के लिए रखना है. टू अचीव बेटर रिजल्ट्स अप्लाई टोनर सो एज टू टाइटन एंड क्लीन दी पोर्स थरली. तो गाइज, इसमें जो लिखा है ये एक्चुअल वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं देता है. मैं इसे अप्लाई बिना किसी मिक्सचर के अप्लाई करके दिखाऊंगी और मैंने एक अच्छा पील ऑफ मास्क जिससे ब्लैकहेड्स निकल सकते हैं उससे कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो आइए लगाते हैं. तो गाइस, ये कुछ स्टेप के शेप में आता है. ट्राइंग कर रही हूँ और आई थिंक ये पील ऑफ मास्क मेरे लिए तो बिल्कुल भी मींस मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं किया. तो मेरे लिए तो मैं आपको बस यही एडवाइस कर सकती हूँ कि प्लीज़ डोंट यूज. गॉड, आप स्किन देखो, मैं अभी तक ट्राइंग कर रही हूँ कि ये निकल जाए. मेरी स्किन पूरी तरह से रेड हो गई, आप देख सकते हो. हर जगह से मुझे इसे अभी निकालना है. तो इसको सबसे ईजी निकालने का बस एक ही तरीका है, वो है आप इसे ले जाके पानी से धो लो. गाइस, आपको मैंने दिखाया कि पील ऑफ मास्क एक्चुअली में लगाने से वो पील ऑफ मास्क बिल्कुल नहीं है, वो चारकोल पील ऑफ मास्क है ही नहीं. मेरी स्किन बहुत रेड हो चुकी है, आप देख सकते हो. मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, लिटरली मैंने सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया बिकॉज मेरी ठंड का टाइम है और मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होती है. तो गाइस, ओके गाइस, ये बाउल है. अब मैं इसमें एक्टिवेटेड चारकोल मास्क पील ऑफ मास्क जो मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन वो उसे डालूंगी. उसे मैं हाफ टी स्पून लूँगी और मैंने एक एवरयूथ का गोल्डन पील ऑफ मास्क लिया है जिसे मैं 2 टेबल स्पून के हिसाब से डालूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं चारकोल मास्क ओवर पावर कर देता है. सो लेट्स मिक्स इट.
ड्राई होती है। तो गाइज मैंने जो ये बनाया है अब मैं इसे यूज़ करूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना इजीली मींस एक्चुअली में बहुत इजीली ये आपके स्किन से निकलेगा। तो इसे लगाना मैं स्टार्ट करते हैं। जैसे ये निकल गया है आपको मैं दिखा दूँ, मीन्स ब्लैक हेड्स तो बहुत इजीली इसमें से निकल जाते हैं। मीन्स ये आपकी स्किन को इतने अच्छे से मीन्स पकड़ के रखता है कि आप जब निकालोगे तो ये ज़्यादा पेन नहीं करेगा, बट बहुत अच्छे से आपके जितने ब्लैक हेड्स है रैशेज है सब निकाल देगा। बट गाइज एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी पील ऑफ मास्क यूज़ करो इसको मीन्स इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखो उससे, क्योंकि चारकोल मास्क इसको ओवर पावर कर देता है। मीन्स आप उसे मैंने अप्लाई किया तो वो मेरे स्किन में पूरे रेडनेस छोड़ गए थे और मुझे फाइनली पानी से अपने फेस को धोना पड़ा है। तो ये रिक्वेस्ट है गाइस कि आप इस्तेमाल करने के पहले मीन्स अच्छे से अपने स्किन को धो लो, उसके बाद आप चारकोल को अगर आप हाफ स्पून लेते हो तो इसे 2 स्पून लो। मीन्स क्वांटिटी हरदम इसकी ज़्यादा रखो ना कि चारकोल मास्क की। तो गाइज अब मैं अपना टोनर इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ये आर्टिस्ट्री का है जो एमवे का प्रोडक्ट है और ये हाइड्रेटिंग टोनर है और ये बहुत अच्छा टोनर है। मीन्स मेरे स्किन के लिए तो बहुत, मेरे स्किन प्लस नॉर्मल मीन्स दोनों है। तो यहाँ हुआ है कि इसको यूज़ करने के बाद आप एक टोनर यूज़ करो। अगर आपके पास टोनर नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको इसके बारे में जानना हो प्लीज़ आप इस बताओ मुझे, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूँगी। आप गुलाब जल लो, उसे कॉटन में डिप करो और अपने फेस पे लगाओ ताकि मीन्स जो भी आपको अगर थोड़ा सा भी लगे कि जलन है या कुछ भी है या रेडनेस फील हो रहा है वो आपको रेस्ट देगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मीन्स एक सूदिंग फीलिंग देगा। तो गाइज ये थी मेरी छोटी सी ट्रिप और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अप्लाई करो और बिल्कुल टेंशन मत लो कि कुछ मेरे स्किन पे ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। हाँ मैंने जो टिप बताई है हाफ स्पून एंड 2 स्पून मीन्स कोई भी आपके पास जो भी पील ऑफ मास्क आप यूज़ करना चाहते करो, मैंने गोल्डन पील ऑफ मास्क यूज़ किया, आपको जो लगे आप वो यूज़ करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज़ कमेंट बिलो और मुझे बताओ कि आपको आपने यूज़ किया या आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।